यदि आप कहीं से लोन ले लिए हैं और लोन का रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे स्थिति में बैंक या फिर कोई भी एन कंपनी आप जहाँ से भी लोन लिए हैं वो आपके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं कर सकता है इसी पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही लेटेस्ट जजमेंट है उसी के बारे में आज की इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं तो वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मामला क्या था ये सतीश चंद्र रत्नालाल था इसका पूरा नाम काफी लंबा है इसलिए हम शॉर्ट में इसका नाम लेंगे ठीक है इन्होंने एक संस्था से इक्कीस लाख रुपया लोन लिया और उसका जो ड्यूरेशन था लोन का ड्यूरेशन था यानी कि रीपेमेंट का ड्यूरेशन था वो एक वर्ष के लिए था ठीक है तो इन्होंने कुछ दिन तक जो है ईएमआई टाइम टू टाइम पे करते गया बाद में इसका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था जिसके कारण ये सतीश चंद जो जो है इन्होंने लोन का ईएमआई टाइम टू टाइम पे नहीं कर पाया जिसके परिणाम स्वरूप इसका काफ़ी जो है मतलब पेनल्टी इसके ऊपर लगाया गया और ये 21 लाख रुपया 27 लाख रुपया में बदल गया यानी कि पेनल्टी वगैरह लगा के काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ गया साथ ही साथ इसको जो है सतीश चंद को एक लीगल नोटिस भी दिया गया जिस कंपनी से इन्होंने लोन लिया था तो इन्होंने लीगल नोटिस का जवाब दिया और इन्होंने लीगल नोटिस का जवाब में कहा कि मेरे पास पैसा ही नहीं है नहीं तो हम आपका लोन टाइम टू टाइम पे कर सकते थे मेरे पास एक भी रुपया अभी नहीं है मेरा आर्थिक स्थिति बहुत गड़बड़ चल रहा है मतलब इस टाइप से जो है इन्होंने लीगल नोटिस का जवाब दिया उसके बाद जो है कंपनी इसके ऊपर सिविल सूट फाइल कर दिया कोर्ट में साथ ही साथ पुलिस स्टेशन में भी कंपनी के द्वारा क्रिमिनल केस फाइल कर दिया गया इंडियन पेनल कोड का सेक्शन 406 एंड 420 के तहत ठीक है ये दोनों सेक्शन के बारे में हम पहले से विस्तार से वीडियो बना चुके हैं यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो मेरा प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं इस विषय पर 406 और 420 का जो आईपीसी होता है इसके संबंध में हम विस्तार से पहले जानकारी दे चुके हैं तो इसके पास मतलब इसके ऊपर जो है दो दो केस हो गया इन्होंने सिर्फ लोन जो है डिफॉल्ट किया था तो सिविल कोर्ट मतलब सिविल सूट भी इसके ऊपर फैल कर दिया गया साथ ही साथ पुलिस स्टेशन में भी इसके ऊपर क्रिमिनल केस फैल कर दिया गया सतीश चंद्र रत्नालाल शाह के ऊपर उसके बाद जो है सतीश चंद्र ने माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया सीआरपीसी का सेक्शन 482 का एप्लीकेशन मूव किया माननीय हाईकोर्ट में ठीक है तो 482 का एप्लीकेशन में मतलब इस तरह से होता है यदि कोई व्यक्ति आपके ऊपर कोई एफ दर्ज करता है और यदि आप वो एफ को खारिज करवाना चाहते हैं आपको लग रहा है कि गलत तरीका से एफ दर्ज किया गया है तो ऐसे स्थिति में आप हाईकोर्ट सीआरपीसी का सेक्शन फोर एट्टी टू के तहत जा सकते हैं यानी कि आपके ऊपर जो अपली मतलब कोई एफ करता है तो वो एफ को खारिज करवाने के लिए रद्द करवाने के लिए सीआरपीसी का सेक्शन फोर के तहत हाईकोर्ट मतलब जा सकते हैं तो इन्होंने यही काम किया ठीक है इसके ऊपर जो एफ किया गया था पुलिस स्टेशन में वो एफ को रिजेक्ट करने के लिए इन्होंने मतलब सीआरपीसी का सेक्शन 482 के तहत माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इसका एप्लीकेशन को माननीय हाईकोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया ठीक है इसके बाद इन्होंने जो माननीय हाईकोर्ट का जो निर्णय था उसका मतलब जो ऑर्डर था माननीय हाईकोर्ट का उस ऑर्डर को चैलेंज किया इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में सतीश चंद्र रत्नालाल शाह ने उसके बाद यदि ये सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य रूप से इन्होंने तीन ग्राउंड खोलिया भला इसका ग्राउंड ये था कि जो कंपनी से इन्होंने लोन लिया था जो कंपनी इसके ऊपर थाना में भी और कोर्ट में भी सिविल मतलब सूट डाला हुआ था और थाना में भी एफ किया हुआ था ठीक है उसी कंपनी से इन्होंने पहले भी लोन लिया था और पहले जो लोन लिया था वो लोन को इन्होंने टाइम टू टाइम पे कर दिया था ठीक है तो इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में यही तर्क दिया कि हम इस कंपनी से पहले भी लोन लिए थे इस कंपनी से पहले भी हमको ताल्लुका था ठीक है और अच्छा से हम लोग जानते थे तो मेरा कोई ऐसा अटेंशन नहीं था कि हम कंपनी का लोन लेके मतलब उसका रिपेमेंट टाइम से नहीं करें तो इन्होंने मान लिया सुप्रीम कोर्ट में दूसरा करोड़ ये बनाया कि यदि कंपनी सिविल सूट पहले से चल रहा है मेरे ऊपर सिविल सूट पहले से डाल रखा है तो ऐसी स्थिति में एफ आखिर क्यों किया गया तो इस एफ को रद्द किया जाए और तीसरा तर्क मान लिया सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये दिया कि मेरा कोई मनसा चीटिंग करने का नहीं था हमने लोन पहले भी लिया था तो टाइम टू टाइम पे कर दिया और इस बार भी लोन लिया तो हम टाइम टू टाइम कुछ दिन तक ई एम आई टाइम टू टाइम दिए लेकिन उसके बाद मेरा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं था जिसके कारण हम लोन का ई एम आई टाइम टू टाइम पे नहीं कर पाए तो ये तीनों ग्राउंड जो है ये तीनों ग्राउंड के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जो मतलब पुलिस स्टेशन में एफ आई आर दर्ज किया गया था वो एफ आई आर को रद्द करने का आदेश दे दिया यदि आप इसका जजमेंट चाहते हैं केस का टाइटल हम यहाँ पे शो कर दे रहे हैं आप ये केस का टाइटल सर्च कर लेंगे गूगल में और इसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं यदि आपका इस टाइप का कोई भी मामला हो तो आप ये जजमेंट को यूज में ले सकते हैं यदि आप इंडियन पेनल कोर्ट का सेक्शन यानी कि आई का सेक्शन चार और चार के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो वो वीडियो स्क्रीन पर आ गया है उस पर क्लिक करके आप विस्तार से जानकारी ले सकते हैं